तो 131 की बात कर रहा हूँ, बोल रहा है कि रैंक द हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा जितने भी क्वेश्चन डाउट है ना, उसमें सबसे ज्यादा अगर इजी कोई क्वेश्चन तो यही है। अच्छा ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बी और सी में, बट फिर भी इजी है यार, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बेटा, कैसे देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ? तो कार्बन आयन बनाओ और कार्बन आयन की स्थिति चेक करो। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ हम जब चेक करते हैं, जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं बेटा, उसमें क्या देखना होता है? सबसे पहले बेटा जिस एटम से हाइड्रोजन जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रॉन चेक करना होता है, और उससे पहले बेटा उसका अनायन बनाना होता है, उस अनायन की स्थिति चेक करना होता है। तो यहाँ बेटा यहाँ पे अनायन बनेगा, यहाँ पे अनायन बनेगा, यहाँ पे अनायन बनेगा। अगर आपने अनायन बनाकर स्थिति चेक नहीं किया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर अनायन बनाकर चेक नहीं किया तो आंसर कुछ और होगा बेटा, इसलिए यू हैव टू फॉर्म अनायन, क्योंकि मेथड तो यही है बेटा। अगर HA कोई एसिड है तो ये डिसोसिएट होगा, इट विल फॉर्म H+ एंड A-, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ दिस A-। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको चेक करना होता है अनायन की स्टेबिलिटी। तो हमने अनायन बना लिया और उसकी स्टेबिलिटी चेक करना बेटा। तो कैसे चेक करेंगे स्टेबिलिटी, या किस पे डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी? तो बेटा यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस अनायन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है बेटा। ये अगर अनायन नहीं होता तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता। जब अनायन बनेगा तो निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हो जाएगा। ध्यान रखना, जब अनायन नहीं होगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp3। यहाँ पे सिंस यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं है तो इसका पहले भी sp3 था और अभी भी sp3 होगा। तो व्हिच वन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव? वी नो दैट sp2 विल बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन sp3, दैट इज बी एंड सी विल बी मोर देन ए। बट प्रॉब्लम है बेटा बी एंड सी में, कैसे डिसाइड करें बी और सी में एसिडेशन? अगर आपने अनायन नहीं बनाते तो आपको आंसर आता सी ग्रेटर देन बी, बिकॉज ए sp2 होता और sp3 होता, तो आपका आंसर आता सी ग्रेटर देन बी। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कंसेप्ट को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है, बट सिंस पढ़ाया गया है तो उसके अनुसार से इजी क्वेश्चन है। बट वी नो दैट बोथ आर sp2 है, बट यहाँ पे बेटा ए DLP है, DLP ये है बेटा, LLP। तो DLP में LLP में विच विल बी मोर स्टेबल? DLP एंड LLP में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो आपने पढ़ाया बेटा DLP विल बी मोर स्टेबल देन LLP, बिकॉज ऑफ दिस रीजन बेटा बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा सी, फिर ग्रेटर देन होगा ए। तो आंसर विल बी सी, बी सी ए। तो कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट इन जनरल अगर बात करेंगे हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, ठीक है? मतलब इजी क्वेश्चन, क्योंकि क्लास में ऑलरेडी कंसेप्ट सीखे हुए। नेक्स्ट बेटा डाउट है क्वेश्चन नंबर 132। कुछ नहीं समझ में आया बेटा तो चैट में बोल देना या ऐसे बोल सकते हो तुम, ठीक है? 132 तो ऑलमोस्ट 1-2 दिन में हम लोग का खत्म हो जाएगा, मतलब इस वीक में 50 तक कर लिया हमने, नेक्स्ट कल कर लेंगे हम लोग बेटा 70 तक, उसके बाद 90 तक। कितना है क्वेश्चन, कब तक है क्वेश्चन बेटा? 90 है कि 94, कितने है? 200 है। तो ऑलमोस्ट बेटा मतलब इस मतलब सैटरडे को खत्म हो जाएगा। तो 132, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल? देख रहे हो, बोल रहा है बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल, इसका मतलब क्या है बेटा? जो प्रोडक्ट है उसमें स्ट्रॉन्गर एसिड एंड स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए? वीकर एसिड एंड वीकर बेस होना, बस यही चेक करना बेटा। दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, आइदर एसिड चेक करो या बेस चेक करो, आइदर एसिड चेक करो या बेस चेक करो, और कोई भी चेक कर लिया बस खत्म हो गया कहानी बेटा। जैसे जनरली बेस कब चेक करेंगे? जब अनायन फॉर्म में, जब अनायन फॉर्म में। तो बेटा यहाँ देखो ए सी माइनस है और दिस इज ऑल्सो सी माइनस, देख रहे हो यहाँ पे ये बेस है बेटा, ये बेस है और यहाँ भी ये बेस है, बिकॉज यहाँ से एच का लॉस हो रहा है और एच गेन कर रहा है। तो यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि बेस कौन है और एसिड कौन है।
पहले आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि बेस कौन है और एसिड कौन है। तो CH2 - CH3 बेस एंड द C-C111CH3 एसिड। कर लिया आइडेंटिफाई बेटा? सॉरी, अनायन है तो बेस, ए दिस इज एसिड एंड दिस इज एसिड। ए एसिड है और एक बेस है। इसको एक्चुअली कंजुगेट वर्ड देते हैं, दिस इज कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड। आयनिंग में पढ़ा होगा आपने कि एसिड का कंजुगेट कंजुगेट बेस होगा, बेस का कंजुगेट कंजुगेट एसिड। उससे मतलब नहीं, हम लोग को बस उसकी स्ट्रेंथ से मतलब, कंजुगेट है कि नहीं है क्या उसमें मतलब। तो बेटा अगर इसकी बात करें हम लोग, तो दिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो बेटा हमने पढ़ा होगा निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। इट मीन्स जो sp कार्बन है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, sp3 कार्बन ए मोर इलेक्ट्रो सॉरी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, sp3 कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। इट मीन्स दिस विल बी मोर स्टेबल। ए हो गया मोर स्टेबल, ए हो गया लेस स्टेबल। बेटा बेस कौन होता है बेटा? तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली टू स्टेबिलिटी। बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली टू स्टेबिलिटी। इट मीन्स दिस इज ए स्ट्रॉन्गर बेस और ये क्या हो गया वीकर बेस। बेटा जैसे ही पता चल गया कि प्रोडक्ट में वीकर बेस है, मतलब ये फॉरवर्ड जाएगा, ए फॉरवर्ड जाएगा, दैट इज दिस रिएक्शन इज फिजिबल। बैकवर्ड रिएक्शन मतलब आपको ढूंढना है नॉट फिजिबल, कौन फिजिबल नहीं है, तो ए तो नहीं होने वाला है। इस तरह सब में चेक करना है। यहाँ पे बेटा देखो ओ माइनस, यहाँ पे भी ओ माइनस। बेटा यहाँ पे ओ पे क्या है LLP है और यहाँ क्या है DLP है बेटा। टू इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दैट इज वीकर बेस और ये क्या है स्ट्रॉन्गर बेस, दैट इज फिजिबल। ए भी फिजिबल है बेटा, क्लियर? नाउ अगर हम लोग सी बाद में करते हैं, डी देख लेते हैं। डी देखोगे तो अब यहाँ पे कोई भी अनायन नहीं है बेटा। जैसे ही अनायन अनायन नहीं होना, तो आपको बेसिक एसन देखने की जरूरत नहीं है, एस डी एसन चेक करो। टेक्निक है कि कुछ भी एक चेक करेंगे हम लोग को हो जाएगा बेटा। तो जब बेटा अनायन हो तो बेसिक एसन करना ज्यादा ईजी है एस डी से, क्योंकि ऐसी देखने के लिए हम अनायन बनाते हैं। बट जब अनायन नहीं हो तो एस डी कंपेयर करो। ये देखो बेटा यहाँ पे ए एसिड पार्ट है और यहाँ पे ए एसिड पार्ट है, दिस इज एसिड एंड दिस इज एसिड। बेटा नाइट्रोजन पे एक प्लस है, देख रहे हो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज तो सेम हो गया। नाइट्रोजन में ऑक्सीजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसका मतलब ये हुआ बेटा अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इट मीन्स उसका हाइड्रोजन क्या होगा ज्यादा एसिडिक होगा, उसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। नाइट्रोजन जब बेटा क्या हो इलेक्ट्रोनिटी चेक करते हैं ना यार, इलेक्ट्रोनिटी चेक करते हैं, तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बेटा, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दिस इज वीकर एसिड। बेटा जैसे ही प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्गर एसिड या स्ट्रॉन्गर बेस मिल गया, क्या बोलोगे इट इज नॉट फिजिबल, ए नॉट फिजिबल है बेटा। अगर नॉट फिजिबल हो गया इसका मतलब यही तो चाहिए, इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड नॉट फिजिबल है तो बैकवर्ड तो करेगा यार, बैकवर्ड सपोर्ट तो करेगा ही यार। तो ये रिएक्शन बेटा बैकवर्ड को सपोर्ट कर रहा है बेटा, ठीक है? ये रिएक्शन बैकवर्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो आंसर तो पता चल गया कि डी होगा, ठीक है? बी भी नहीं था बेटा, बट सी भी डिस्कस कर लेते हैं कि सी में क्या है। तो सी में बेटा यहाँ पे सल्फर पे हाइड्रोजन है बेटा, सल्फर पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन है। ध्यान रखना बेटा H2S में और H2O में कौन ज्यादा एसिडिक है। H2S में H2O में बेटा H2S ज्यादा एसिडिक है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे जब H हटाओगे तो जब HS- बनेगा और जब यहाँ OH- बनेगा, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। देख रहे हो HS- इज मोर स्टेबल। क्यों बेटा? याद करो ग्रुप में क्या देखते हैं, साइज देखते हैं बेटा। साइज बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जब साइज बढ़ेगा बेटा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमने ग्रुप में क्या देखा बेटा, साइज देखा। बट यही देखो ट्रिक देखो बेटा, यहाँ पे अगर हमारे पास H3S+ हो और H3O+ हो तो बेटा ए ज्यादा एसिडिक है, ए ज्यादा एसिडिक है, उल्टा हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि बेटा जब H2S हो और H2O
तो H2S ज्यादा एसिडिक है वाटर से, क्योंकि तो उसके जो अनायन बनेंगे एक रिमूव करने के बाद अनायन बनेगा, और अनायन HS- इज मोर स्टेबल देन OH- बिकॉज ऑफ साइज, नॉट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बिकॉज सेम ग्रुप से है, तो क्या देखोगे? साइज देखोगे. बट व्हाट अबाउट H3S? बिकॉज H3S से जब बेटा एक हटाओगे तो H2S बनेगा, देर इज नो अनायन फॉर्मेशन, नो अनायन फॉर्मेशन. H3O से जब बनाओगे तो वाटर बनेगा, यहां भी अनायन नहीं बना, न्यूट्रल बना बेटा. जब न्यूट्रल बन रहा है तो क्या देखोगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से देखोगे बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से. तो दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, दिस सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या बोलोगे? H3O+ इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3S+. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. बाद में इसको लिख भी लेना इस कंसेप्ट को जो है, ठीक है ना? तो यहाँ पे SH2+ है और यहाँ पे OH2+ है बेटा, तो यहाँ पे अनायन फॉर्म नहीं होगा, ए भी एसिड है बेटा, ए भी एसिड है, ठीक है? तो क्या बोलोगे यहाँ पे, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? अनायन तो बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है? और अनायन बन नहीं रहा है बेटा, ठीक है? तो कैसे देखेंगे बेटा हम लोग? सिंस ए लेस स्टेबल है बेटा, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज और सल्फर प्लस चार्ज लेस स्टेबल है, तो एच डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है? इसकी ज्यादा है, एच डोनेट करने की इसकी टेंडेंसी ज्यादा है. तो हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा बेटा, सॉरी, जो एच प्लस डोनेटिंग पावर होगा इसकी ज्यादा होगी. तो दिस इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दिस इज वीकर एसिड, दिस इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड. मतलब यहाँ भी बेटा ए रिएक्शन नॉट फिजिबल है, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, तो दिस रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो दोनों का दोनों बेटा, दो दो रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है बेटा, ठीक है? बट सिंस ए सिंगल करेक्ट है, कोई वन आंसर होना चाहिए. तो बोलो बेटा इसका आंसर क्या दिया हो बेटा? व्हाट इज गिवन आंसर एनीवन बेटा? डी है क्या दिया है? डी। डी डी फॉर दिल्ली ना, डी हाँ फॉर दिल्ली दिया हुआ है. यस, तो बेटा इसका आंसर तो सी और डी दोनों ही होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इसका आंसर सी और डी दोनों होगा, ठीक है? दोनों ही आंसर होगा इसका, क्योंकि अगर न्यूट्रल होता, ठीक है, अगर न्यूट्रल होता तो H2S इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड आता, बट कैटायनिक बन गया बेटा तो अनायन बन ही नहीं रहा है, एट दैट टाइम बचे उसका रिएक्शन उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है बेटा, ठीक है ना? तो इसका आंसर सी एंड डी कर लेना बेटा, इसका आंसर सी एंड डी दोनों होगा. जो तो बताया था आपको एमएस में बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन है, उसमें से एक ए भी है, ठीक है ना? और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको. चलो, तो अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया बेटा. ऐसे क्वेश्चन ना जो रिएक्शन होता है जीओसी में मैक्सिमम बच्चों से गलत होता है, मैक्सिमम, बट 1% बच्चा जिसकी कंसेप्ट ऑल क्लियर है वो कभी गलत नहीं करता, और यू हैव टू डेवलप. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जे एडवांस, नीट और जेई मेंस के लिए 50% इंपॉर्टेंट है. फ्यूचर में अगर पेपर टफ बनाया, जैसे लोग बोल रहे हैं कि नीट में इस बार पेपर थोड़ा ट्रिकी था, तो अगर ऐसे बनाया जो है तो इस टाइप से क्वेश्चन भी डाला जा सकता है. इसलिए बेटा पहले ऐसा नीट में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा केमिस्ट्री में, बट आजकल पूछ रहा है, तो नीट वाले को भी लेवल 1 जे एडवांस का अपना एमएस सवान का करना जरूरी है बेटा. चलो नेक्स्ट, क्योंकि हम किसी से कम क्यों रहे, 15 क्वेश्चन पूछेगा नीट में यार, तो 15 × 3 = 45, 15 × कितना, हाँ 3 या 4, 4 4 मार्क्स, तो 60 मार्क्स यार फ्री मिल रहा है, क्यों छोड़ना 60 मार्क्स? क्वेश्चन नंबर बेटा ए हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो का 34, 34 की बात कर लेते हैं. यस, क्वेश्चन नंबर 34, टेकिंग इंटू अकाउंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट, रैंक द फॉलोइंग बॉन्ड ऑर्डर. बेटा क्या पढ़ा है आपने यार, ये तो इसका ऐसा बनेगा ना यार, क्लास में पढ़ा होगा, रेजोनेंस होगा बेटा, और हर जगह ऐसे ऐसे आएगा बेटा, और याद करो पढ़ाया होगा आपको, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, राइट द ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, राइट द हाउ मेनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर. बेटा एक बार ए अपना इलेक्ट्रॉन देगा ओपन होगा तो ऐसे बनेगा ओ ओ माइनस, एक बार और बेटा जब ए देगा तो कैसे बनेगा इसका, ओ माइनस,
डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो फॉर्मूला था, बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला क्या था बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम डिवाइड बाय कैनोनिकल स्ट्रक्चर, टोटल नंबर। मान लो अगर आप टू के वन के निकालना चाह रहे हो, इसके निकालना चाह रहे हो, वन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन और दिस ऑक्सीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, बट केमिकल स्ट्रक्चर थ्री है, टोटल बॉन्ड कितना है, यहाँ पे वन बॉन्ड है, यहाँ यहाँ पे टू बॉन्ड है और यहाँ पे वन बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है, फोर, फोर बाई थ्री, तो दैट इज 1.33। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर ऑफ वन। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ टू, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ टू क्या होगा, तो बेटा एट टू है बेटा, तो इसके बीच में टोटल बॉन्ड, तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन है, दैट इज फोर, फोर बाई थ्री, दैट इज 1.33। ये क्लास का क्वेश्चन है बेटा, यहाँ वन है, यहाँ टू है और यहाँ वन है, फोर, दैट इज जो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ थर्ड होगा बेटा वो भी कितना होगा, फोर बाई थ्री, दैट इज 1.33। तो व्हाट इज फॉर्मूला बेटा, टोटल नंबर ऑफ, टोटल ये लिखवाया हुआ क्लास में, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम जिसके बीच बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हो डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करो। ध्यान रखना है ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है, कंडीशन अप्लाई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी फॉर्मूला याद कर रहे हो तो कंडीशन, इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर लाइक बेंजीन हो गया या CO3- हो गया, इक्विवेलेंट, अगर नॉन इक्विवेलेंट हो गया तो फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, ये नॉन इक्विवेलेंट केमिकल स्ट्रक्चर देगा, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा, तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, व्हाट इज आंसर, आंसर विल बी डी, डी विल बी द राइट आंसर, सारे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे हम लोग, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 135, 35 की बात करते हैं, यस 35 बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विल डिस्कस 35, 35 विच, पूरा दिख नहीं रहा 35, दिखाते हैं, नहीं दिख रहा पूरा, तो पहले इसमें दिखा लेते हैं, तो 35 बोल रहा बेटा, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कार्बोकैटायन हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कार्बोकैटायन्स हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। बेटा लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ मतलब क्या होगा बेटा, जिसका लाइफ ज्यादा होगा उसका हाफ लाइफ ज्यादा होगा, और किसका लाइफ ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो बेटा हाफ लाइफ बोलो या फुल लाइफ बोलो बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब ये समझो ये डिफरेंट वे है क्वेश्चन पूछने का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, देख रहे हो ऐसे गेम किया जाता है बच्चों के साथ, आपको पता है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, फिर भी आपसे कार्बोकैटायन नहीं पूछा, क्या पूछा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, अब देखो क्वेश्चन गया ना, क्योंकि पता ही नहीं हाफ लाइफ क्या होता है बेटा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका हाफ लाइफ भी क्या होगा, ज्यादा होगा, अब बताओ बेटा दिस कार्बोकैटायन, दिस कार्बोकैटायन याद करो, अगर ऐसे कार्बोकैटायन हो और यहाँ CH2+ हो तो दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय सिग्मा रेजोनेंस, और यू नो दैट सिग्मा रेजोनेंस इज पावरफुल इफेक्ट बेटा, हाउ मेनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इट हैज थ्री कैनोनिकल स्ट्रक्चर, थ्री कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यहाँ कितना बेटा, तो इसके लिए दो, इसके लिए दो और इसके लिए दो, कितना हो गया
सिक्स, अब प्लस एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो कितना टोटल? सेवन कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इट हैज टोटल सेवन कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसके साथ बेटा बहुत सारे रेजोनेंट, इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कनेक्ट हुए थे, ठीक है ना। यस चलो बेटा, तो देख लो यहाँ पे। सो एक काबू का टायर है बेटा, और ये बेटा इसमें नॉर्मल रेजोनेंस है, नॉर्मल रेजोनेंस है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है इसके बेटा, नॉर्मल रेजोनेंस है, और सिग्मा का सिग्मा रेजोनेंस में कौन पावरफुल? सिग्मा। यहां तक कि अगर एरोमेटिक हो रहा होगा, देखो दिस इज नॉट एरोमेटिक, अगर इसको जिसको बोलते हैं बेंजाइलिक रेजोनेंस, ये बेंजीन है और यहाँ पे CH2+ है, तो सिंपल एक बेंजीन, इट इज नॉट एरोमेटिक, तो पहले से ही था, इट इज नॉट एरोमेटिक विदाउट दिस कार्बोकैटायन, इज नॉट एरोमेटिक बिकॉज ऑफ दिस कार्बोकैटायन, तो ये नॉर्मल रेजोनेंस बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे नॉर्मल रेजोनेंस है, यहाँ पे सिग्मा रेजोनेंस है, यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर बहुत सारे आएंगे, इसके कितने आएंगे बेटा? इसके आएंगे बेटा तुम्हारे 5 आएंगे, इसके लिए 5, अच्छा एक तो दिया हुआ है ना, तो एक्स्ट्रा इतने आएंगे, प्लस प्लस प्लस, तो कितना हो गया? 1 2 3, ठीक है, फिर 3 3 6, इसके लिए 7 आएंगे, सेवन नहीं बोल, ज्यादा ही हो जाएगा, 3 3 3 9 हो गया, और प्लस एक ओरिजिनल है, तो 10 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा है, फिर भी बेटा ए ज्यादा स्टेबल है बी से, तो ए और बी में सर ए ज्यादा आपने है कैसे कैलकुलेट किया वो? बेटा। इस बेंजीन में कितना होगा बेटा? इसमें देखो जब रेजोनेंस होगा बेटा, तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, फिर प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, तो एक ओरिजिनल दिया हुआ है, फिर रिटर्न होकर यहाँ पे जाएगा, तो इस बेंजीन के अंदर प्लस चार्ज कितना आया बेटा बोलो? 3। बेंजीन के अंदर 3 आया, यस इसमें भी सर, बेंजीन के अंदर 3 आएगा, इसमें बेंजीन के अंदर 3 आएगा, तो 3 3 3 कितना होगा बेटा? 9। और एक ओरिजिनल होगा, एक ओरिजिनल होगा बेटा, तो हम लोग 10 बोल सकते हैं, और क्योंकि एक बेंजीन का कितना होता है? 5 होता है ना यार, देखो एक प्लस चार्ज यहाँ है, टोटल 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, टोटल 5 है इसमें, तो अब टोटल हम लोग 4 माने या 3 माने बेटा, जब एक एक ओरिजिनल होगा जो काउंट नहीं करेंगे, सब में ओरिजिनल एक एक होगा जो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ प्लस चार्ज, एक बार यहाँ प्लस चार्ज, एक बार यहाँ प्लस चार्ज, तो 3 तो हो गया ही, ओरिजिनल काउंट नहीं करना है, जब दोबारा आएगा तो अगर उसको काउंट करोगे यहाँ पे, चलो 3 के जगह यार 4 मान, क्योंकि टोटल 5 है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर काउंट नहीं करना है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर सिर्फ एक बार ही काउंट करना है, बट जब यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ जब यहाँ घूम कर प्लस चार्ज आएगा, तो स्ट्रक्चर ओरिजिनल नहीं रहेगा, चेंज हो गया रहेगा, तो 3 मत मानो, 3 जगह पे आप 4 4 मानो बेटा, इसको 4 मानो, फिर इसके लिए 4 मानो, इसके लिए 4 मानो, तो कितना हो जाएगा? 4 × 3 12, प्लस एक ओरिजिनल मानो 13, 13 मानो, बट इसके कैलकुलेशन स्ट्रक्चर 10 हो या 13 हो उससे मतलब नहीं है, सिग्मा रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन नॉर्मल रेजोनेंस, तो बेटा ए विल बी ग्रेटर देन बी। कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर पावरफुल देन नॉर्मल रेजोनेंस, तो वो तो आगे देखेंगे हम लोग क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके, फिर पता चलेगा क्या है। यस कुछ है ही नहीं बेटा, ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं बेटा, देखो क्या है यहाँ पे, सिंपल बेटा कटायन है, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 3 3 3, दैट इज 9 अल्फा हाइड्रोजन, टेली बेटा कौन ज्यादा स्टेबल है? सबसे ज्यादा स्टेबल ए था, फिर बेटा बी, फिर डी एंड फिर सी, तो विच हैज हाईएस्ट हाफ लाइफ बेटा? ए हैज हाईएस्ट हाफ लाइफ, मैक्सिमम हाई हाफ लाइफ, तो ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, गॉट इट? तो एक डिफरेंट टेक्निक है पूछने का, इसमें अच्छा कंसेप्ट यूज किया, सिग्मा रेजोनेंस का कंसेप्ट यूज किया, इसी को हम लोग बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं, उसके कंसेप्ट को यूज किया बेटा, चलो गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 136, नहीं 135 हो गया, 137, 137, ठीक है, 137 क्या होगा बेटा? 137 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मोस्ट एक्सोथर्मिक, देख रहे हो
रिएक्शन की बात कर दिया बेटा, ये तो हम लोग को पढ़ाई हुआ ही नहीं अभी, बट कोई बात नहीं है, रिएक्शन इंटरमीडिएट तो पढ़ा है बेटा। ये जो रिएक्शन होता है बेटा, जब ये रिएक्शन बताया था आपको कि जब CH4 पे जब Cl2 डालोगे बेटा एच न्यू के प्रेजेंस में, तो पहले बेटा CH3 डॉट बनता है, पहले बनता है CH3 डॉट, फिर बेटा ये बाद में CH3 डॉट बनेगा और Cl डॉट बनेगा, एक कंबाइन होकर CH3Cl बनता है। दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, जो पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जो मोस्ट फेमस रिएक्शन है यही रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन का मोस्ट फेमस रिएक्शन यही बेटा। तो क्या बन गया बेटा, CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। व्हाट इज द इंटरमीडिएट, CH3 डॉट। तो बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, इंटरमीडिएट का बहुत रोल होता है बेटा। ठीक है, तो कौन किसका ज्यादा इंटरमीडिएट से स्टेबल है बेटा, किसकी इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है बेटा? तो यहाँ पे बनाओगे बेटा कितना डिग्री, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बनाओगे कितना अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ बनाओगे बेटा तो कुछ 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ बनाओगे बेटा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ बनाओगे तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। बेटा अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया, इतना क्लियर हो गया कि बेटा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसका होगा बेटा, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसका होगा। ठीक है, बट क्लोरीन में और ब्रोमीन में उसमें किसी कैसे चेक करेंगे बेटा, क्लोरीन और ब्रोमीन में कैसे चेक करोगे, क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा बेटा, क्लोरीन या ब्रोमीन? टेल मी व्हिच विल फॉर्म मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, क्लोरीन और ब्रोमीन कौन बनाएगा बेटा? तो यू नो दैट क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, क्लोरीन की जो ऑर्बिटल्स है वो 3p ऑर्बिटल्स है, जो ब्रोमीन की ऑर्बिटल्स है वो 4p है बेटा। तो इसका मतलब बेटा यस, क्लोरीन बेटा ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन बेटा यहाँ पे जो क्लोरीन के साथ बनेंगे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेंगे, तो बेटा आंसर विल बी सी, तो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इज सी। क्लियर, यस, ठीक है बेटा, चलो गुड, वेरी गुड। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म का एप्लीकेशन है, आगे पढ़ोगे, बट सिंस इंटरमीडिएट तो पढ़ना है हम लोग यूसी में, इसलिए MS-1 में एक क्वेश्चन डाल दिया गया है। ठीक है बेटा, यस गुड गुड बेटा, सो मैं बेटा ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग को बात करना है, तो है क्वेश्चन नंबर 38, 138। ये देखो बेटा, अब ऐसे डायग्राम बेटा देख कर बच्चा डर जाएगा, बट जो थोड़ा बहुत रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा है, सॉरी थोड़ा बहुत रिएक्शन पढ़े हैं कुछ बच्चे जो हैं, उनको ये आइडिया होगा बेटा कि ये ग्राफ क्यों बनता है, कैसे बनता है, नंबर ऑफ स्टेप्स पे डिपेंड करता है। तो बेटा इससे ए बनना डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, इससे ए बनना बेटा डायरेक्ट नहीं हो सकता है, मतलब वन स्टेप में तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। क्या होगा, पहले जब लाइट डालोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बीच में एक इंटरमीडिएट आएगा जो ऐसा बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH, नॉट डबल बॉन्ड, इसमें एक बॉन्ड बेटा ब्रेक हो गया रहेगा, एक बॉन्ड बेटा इसमें ब्रेक कर दो। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहेगा, तो यहाँ पे बेटा फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल बनेगा, फिर बेटा ट्रांस सिस में कन्वर्ट होगा। तो वन स्टेप है ही नहीं बेटा, तो ए ग्राफ पहले ही कैंसिल हो गए क्योंकि ये सिंगल स्टेप दिखा रहा है, दिस रिएक्शन डज नॉट अकर इन सिंगल स्टेप, इसमें इंटरमीडिएट बनेगा क्योंकि ये फ्री रोटेशन नहीं है। देखो जब अमाइन इन्वर्जन, याद करो जब अमाइन इन्वर्जन था तो ऐसा ही ग्राफ था बेटा, अमाइन इन्वर्जन में ग्राफ क्या होता है, थोड़ा एनर्जी का इधर उधर था बट सिंगल स्टेप का ग्राफ ऐसा था। ए डबल स्टेप होगा, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा फिर से बॉन्ड बनेगा बेटा, तो बेटा आइदर बी होगा नहीं तो डी होगा। अब बी सही है कि डी ई सही है बेटा डिपेंड करेगा एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है? बेटा ये ट्रांस है और ये सीस है, अपने अगर ज्योमेट्री क्लास में पढ़ा होगा तो बताया गया होगा उसमें, ट्रांस में और सीस में ट्रांस बेटा जनरली मोर स्टेबल है और दिस इज लेस स्टेबल है। बेटा जिस दिन प्रोडक्ट हो जाए लेस स्टेबल वो एक्सोथर्मिक नहीं हो जाता बेटा, वो एंडोथर्मिक हो जाता है, एंडोथर्मिक। तो बेटा एंडोथर्मिक होना चाहिए, ये देखो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, दिस इज रिएक्टेंट और दिस इज प्रोडक्ट, ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये क्या हो गया बेटा, दिस इज एंडोथर्मिक, और ये क्या होगा बेटा, सॉरी मैं उल्टा बोला बेटा, सिंस प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो इट इज एक्सोथर्मिक, और यहाँ प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में बेटा क्या है, प्रोडक्ट लेस स्टेबल है रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। तो याद करो मैं लास्ट डिस्कशन में बताया होगा, अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो गया तो एक्सोथर्मिक, और अगर प्रोडक्ट कम स्टेबल हो गया तो क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक बोलोगे। तो दिस इज एंडोथर्मिक, सिंस दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक तो आंसर होना चाहिए ई, सॉरी डी, एंडोथर्मिक कर्व होना चाहिए बेटा, यस।
स्टेप कैसे है? देखो बेटा, सिंगल स्टेप बेटा नहीं है ना यार, ये डबल स्टेप है ना बेटा, सिंगल स्टेप नहीं है। सिंगल स्टेप क्या होता है बेटा, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता, अगर सिंपली ऐसे सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेट करना होता, तो इसको रोटेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, फुली रोटेट होता। तो दिस इज टू स्टेप रिएक्शन, कि पहले ये ब्रेक होगा बॉन्ड और ए इंटरमीडिएट बनेगा। तो दिस इज द इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट। सो इट इज नॉट सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज डबल स्टेप रिएक्शन। और एक इंटरमीडिएट ए है बेटा और एक इंटरमीडिएट सी। तो ए क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि एक्सोथर्मिक है। बट ट्रांस सिस बनाना इट नॉट एक्सोथर्मिक, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो आंसर इज डी। नेक्स्ट बेटा हम लोग को डिस्कस करना है 139। ठीक है, क्या बेटा इसमें 139 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। बेटा वैसा कागज बेटा है जिसका रेजोनेंस ज्यादा हो रहा हो, ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, जिसका रेजोनेंस ज्यादा हो रहा होगा, ज्यादा होगा बेटा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, किसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है बेटा, किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है बेटा? तो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, देखो रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है। देखो बेटा ध्यान से, ये थोड़ा ट्रिकी है बेटा। ए बेटा इससे भी रेजोनेंस हो रहा है, इससे भी हो रहा है, और इस नाइट्रोजन से, देख रहे हो यहाँ पे, तो दोनों पाई बॉन्ड से रेजोनेंस, नाइट्रोजन से रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल डबल, इन तीनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है बेटा। इसका किससे हो रहा है? देखो इसका इसका भी तीनों से रेजोनेंस हो रहा है। देखो यहाँ पे ये देखो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बेटा इन तीनों से ही रेजोनेंस हो रहा है, देख रहे हो, और नाइट्रोजन से भी रेजोनेंस हो रहा है, नाइट्रोजन से रेजोनेंस हो रहा है। ओ यहाँ क्या है बेटा, ओके सुनो, और दूसरी चीज बेटा, ए इस टाइप का बेटा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। देखो ऑल आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बेटा, देख रहे हो, जैसे ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो जाए वो भूल जाओ कंसेप्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, वो लगाना ही नहीं है बेटा। अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो क्या देखना है, क्या रूल था कैनोनिकल स्ट्रक्चर में, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बोलो, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा बेटा। किसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, विच हैज हायर पाई बॉन्ड बेटा, सी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है। देखो 1 2 3, इसमें दो पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड है, इसमें भी दो पाई बॉन्ड है, तो आंसर इज सी, लगाना ही नहीं कंसेप्ट। क्यों क्यों बेटा, ऐसा क्यों बेटा? देखो ना कार्बोकैटायन है, इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटा, यहाँ प्लस चार्ज है नाइट्रोजन पे बट ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चार बॉन्ड है, और अगर चार बॉन्ड है और ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा तो क्यों अनस्टेबल होगा? तो मोस्ट स्टेबल इज 139। एक बच्चे ने बोला कि सर 136 बता दो यार, इसलिए बोला मैं ग्रुप में डालने का जो है, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं होगा जो ग्रुप में डाल देने का, कुछ भी डाउट बेटा, ये थोड़ा ऐसा नहीं, मैंने बोला कि आपका एक भी डाउट नहीं बेटा, जो भी डाउट है आपका सारे डाउट डिस्कस कर रहा हूँ। यस, रैंक द फॉलोइंग एल्कीन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो, बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो तो व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेटा, इनवर्सली टू स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड बेटा, स्टेबिलिटी बेटा। और स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे बेटा। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन, टू अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना बेटा, टू थ्री एंड थ्री, कितना हो गया टोटल, थ्री थ्री सिक्स प्लस टू, एट अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितना हो गया बेटा थ्री, यहाँ पे हो गया थ्री, दैट इज सिक्स अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे थ्री और थ्री कितना हो गया, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन, विच हैज मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आएगा वो आएगा टू, फिर बेटा देखो अब यहाँ थ्री और फोर दोनों में सिक्स सिक्स है, यू नो दैट ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिक्स, सी देयरफॉर थ्री विल बी ग्रेटर देन फोर, और सबसे लास्ट में हो जाएगा वन। नाउ व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट क्या हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा होता है, दैट इज 1 4 3 2, 1 4 3 2, दी इज द राइट आंसर, दी इज द राइट आंसर, गॉट इट बेटा? चलो वेरी गुड, नेक्स्ट डाउट है बेटा हमारे पास 137 हो गया, 138, अच्छा नहीं 138 भी हो गया, सो 138 हो गया बेटा, 139 भी हो गया बेटा। यस, अब हम लोग 140 डिस्कस करेंगे, 140। तो फिर से ज्वाइन करो बिकॉज ये टाइम बहुत कम है, तो ज्वाइन है।